नमस्कार, आप अनोखी आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज सभी बहनों के खाते में 1250 रुपए डाल दिए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स के जरिए दी है। आपको बता दें कि यह राशि लाडली बहना की 14वीं किस्त है और यह सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना बंद नहीं होगी। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दी। वहीं दूसरी ओर लाडली बहनों को निराशा भी लगी है। बहने 3,000 राशि बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन सरकार ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। दरअसल एमपी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा में है। इस योजना में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 में शुरू किया था। इसके जरिए महिलाओं को 1,000 रूपये की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी। उसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज ने इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपये कर दिया था। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि यह राशि समय से पहले ही उनके खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बता दें कि यह खुशखबरी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। 14वीं किस्त के रूप में 9,455 करोड़ से अधिक की राशि बहनों के खाते में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि हमारा प्रण महिला सशक्तिकरण, मेरी लाडली बहनों, आपके खातों में 1250 रुपए की 14वीं किस्त अंतरित कर रहा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए अनोखी आवाज।